सो गाइस वी आर गोइंग नलकेश्वर इन ग्वालियर, काफ़ी दूर है ग्वालियर से और घने जंगलों में से गुजरना पड़ता है। और ये तिगरा के पास में ही है। ये देखो सामने व्यू देख सकते हो, ये पूरा तिगरा डैम का जो पानी स्टोर होता है। रास्ता ऑफ रोडिंग के लिए मैं थार से आ रहा हूँ। ऑफ रोडिंग के लिए थार सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है थार चला के ऑफ रोडिंग। पूरे रूट्स जो है इधर के पूरे ऑफ रोडिंग है। अरे नलकेश्वर के काफ़ी करीब है और कम से कम यहाँ से रह गया होगा 6 किलोमीटर। और अभी हम घने जंगल में हैं। यहाँ पिछली बार मैं आया था तो तब मैंने हिरन वगैरह ये सब देखे थे। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। नंदी बाबा कहाँ से? और नंदी महाराज जी हमारे साथ हैं। आश्रम है हाँ, वहाँ पर जाएंगे। नंदी महाराज जी से मिलिए। ये हमारे नंदी महाराज जी है। इनके वजह से ही हम जा पा रहे हैं क्योंकि हमें रास्ता मतलब नहीं मालूम है। पिछले टाइम में आया था तो मेरे जो फ्रेंड थे आश्रम के तो उनके ज़रिए से मैं आया था और इनके ही थ्रू मैं नलकेश्वर दोबारा आ पाया हूँ। ये देखिए काफ़ी कूल क्लाइमेट है घने जंगल में। गौशाला और आगे गौशाला है, आगे गौशाला भी मिलेगी। ये देखो तो काफी अच्छा लग रहा है। काफ़ी एडवेंचर है, एडवेंचर काफ़ी करना पड़ता है इधर आने के लिए। एडवेंचर है आप देख सकते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं नलकेश्वर धाम और अभी ये जंगल से पूरा एंट्री, काफ़ी घना जंगल है और थैंक यू थार है मेरे पास तो कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी रास्ते काफ़ी घना जंगल है। नलकेश्वर का नज़ारा, नलकेश्वर धाम। देख सकते हैं नलकेश्वर का नज़ारा। नलकेश्वर यहाँ से करीबन ग्वालियर 35 किलोमीटर है। ये, 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 तो अभी हम जा रहे हैं टिपकेश्वर महादेव, काफ़ी घने जंगल में है।